गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वीडियो है मंडे मॉर्निंग की और मैं कर रही थी तैयारी बच्चों को स्कूल भेजने की। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो मटर ना जैसे कि मैंने पिछले दिन ही बच्चों से छिलवा के रख लिए थे और वो आधा किलो के करीब मटर थे, सारे ही मैंने इनको छीलने के लिए दे दिए थे, उन्होंने छील के रख लिए थे। तो बस छिले हुए मटर हो तो ये रहता है कि जब भी हमें लेने हैं किसी सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए तो बस लो और उनको डाल दो, छीलने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं ना इकट्ठे ही मटर सारे जितने मैं लेती हूँ सबको छील के रख लेती हूँ, या फ्री टाइम पे जैसे मैं फ्री होती हूँ तब छील लेती हूँ, या बच्चे टीवी वगैरह देख रहे होते ना तो उनको ये काम मैं दे देती हूँ। तो देखिए मटर तो छीले हुए थे, यहाँ पत्ता गोभी को मैंने कट कर लिया और अच्छे से पानी में भिगो के मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया कढ़ाई और ऑयल डाल लिया कढ़ाई में, तेल गर्म होते के साथ ही मैंने जीरा डाला है और फिर मैंने डाल दी है गोभी और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी मटर और साबुत मैं 3 से 4 हरी मिर्च डालूंगी। उसमें मैं कट नहीं लगाऊंगी हरी मिर्च में, वो साबुत ही रहने दूंगी, जैसे कि ना सब्जी से निकाल के अच्छी लगती हैं फिर खाने में। तो अगर इसको मैं बीच में से कट कर देती ना तो फिर मतलब सब्जी में ज़्यादा तीखापन सा हो जाता। तो इस सब्जी में ना बस जीरे का ही तड़का मैं लगाती हूँ, ऊपर से मैं डाल देती हूँ ड्राई मसाले सब्जी डालने के बाद, और बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गैस तेज़ होगी ना तो लोहे की कढ़ाई में वैसे भी चिपकने लग जाती है सब्जी, एकदम से लग जाती है। तो धीरे धीरे आंच में ये पकती रहेगी और इतने में लगा लूँगी आटा। बस मैं अपने किचन के काम कर रही थी और मयंक को भी मैंने उठा दिया था, वो भी अपने नहा धो के रेडी था, बस अब रह गया था उसका ब्रेकफास्ट देने के लिए और जो भी लंच वगैरह मैंने देना था ना वो उसका पैक करके देना था, और आरू ने तो बाद में जाना था तो उसका काम बस मैं बाद में करने वाली थी। यहाँ बस मयंक को भेजते के साथ ही उसको नहलाऊँगी और रेडी करवाऊँगी। इतने मयंक के पापा मयंक को छोड़ के आएंगे, इतने मैं आरू को रेडी कर दूँगी। बस फिर वो ये कि उसका ब्रेकफास्ट वगैरह करवाऊँगी और 10-15 मिनट में उसको भेजने का भी टाइम हो जाएगा। मतलब सुबह का टाइम इतना बिजी सा रहता है ना कि जब तक दोनों बच्चे चले ना जाए ना उसके बीच मैं 1 मिनट भी नहीं बैठ सकती हूँ। फिर जब मैं दोनों बच्चों को भेज देती हूँ ना तो उसके बाद थोड़ी 5-10 मिनट का मैं रेस्ट लेती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फ़ोन वगैरह चलाती हूँ और फिर बाद में काम करने लगती हूँ। तो मयंक तो चला गया स्कूल, यहाँ पर आरू को भी मैंने उठा दिए, इसको मैंने दे दिया थोड़ा सा गर्म पानी पीने के लिए। तो बस अब मेरे को इसको ही रेडी करना है, नहलाना धुलाना है, ब्रश वगैरह करवाना है। तो सुबह सुबह तो इसका ये रहता है कि बस मैं इसको बोल रही थी उठ जा ब्रश वगैरह कर, लेकिन नहीं, गोदी में लेके जाओ गोदी में, या मेरे को ब्रश करवाओ, आप ही सब कुछ करवाओ, बस इसका थोड़ा सा सुबह सुबह का ये रहता है ड्रामे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसको ब्रश, चेयर वगैरह खुद ही लगा के दे दी है, नीचे से वैसे ये खड़ा होके ना ऊपर वॉशलेशन तक पहुँचता नहीं है, तो फिर गोदी में लेके कभी ब्रश करवाती हूँ, कभी इसको चेयर के ऊपर खड़ा करके फिर ब्रश करवाती हूँ। तो जब भी इसके साथ ना मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब मयंक को स्कूल भेजने के बाद ना फिर इसको सब कुछ खुद ही करना होता है ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसके साथ भी, और इसलिए फिर मैं इसको मयंक के साथ भी नहीं भेजती हूँ क्योंकि मयंक फिर इसकी वजह से लेट हो जाता है। तो यहाँ मैंने आरू को भी स्कूल भेज दिया, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड अभी तक घर में ही हैं, वो घर से ही काम कर रहे थे, कुछ अभी थोड़ी देर में जाना था उन्होंने, तो बस इतने वो अपना काम वगैरह कर रहे थे और मैं लग गई अपने काम करने। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी लेट करूँ ना, आरू 9:30 बजे जाता है, तो उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट का तो वैसे ही रेस्ट ले लेती हूँ, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो बस यही है कि काम शुरू करते करते 10 बज जाते हैं मुझे।
तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा भी मैं लेट कर दूँ कि चलो थोड़ी देर उठ बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर में काम करूँगी, तो फिर वही रहता है कि फिर आरू के मतलब आरू का जब स्कूल से लाने का टाइम होता है ना, तब तक मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते, और फिर वो काम भी मेरे भागम भागी होते हैं कि आरू को लाने का टाइम हो जाएगा तो क्यों ना मैं ये भी कर जाऊँ ये भी कर जाऊँ कि उसके आने के बाद मुझे कोई काम ना रहे। और सुबह से लगातार काम पे लगे रहने के बावजूद भी इतना लेट हो जाती हूँ कि आरू को बस नहाती हूँ और उसको लेने जाती हूँ सीधी, मतलब 1 मिनट का टाइम ही लगता है कि मैं नहा के थोड़ी देर बैठ जाऊँ, या लगे तो बस 5-10 मिनट पहले नहा लेती हूँ, इतने रेडी होती हूँ उतने उसका लाने का टाइम हो जाता है, फिर उसको लेने चली जाती हूँ। और फिर वही है, आओ उनको लंच वगैरह दो, ट्यूशन छोड़ो, बस फिर तो शाम का पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। तो ये हल्की फुल्की मेरी डस्टिंग जो भी मेरे को करनी थी, और इसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। इसके बाद मैं ना थोड़ा सोचा था कि चलो ड्राइंग रूम में जो भी सोफ़ा वगैरह है ना मेरा, इसको हटा के थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि वीक में मैं एक बार करती हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 हफ्ते हो गए थे मैंने साफ़ नहीं किया था सोफ़े को हटा के मतलब नीचे से, क्योंकि मौसम को देखते हुए ये काम मेरे से होते हैं, तो मौसम काफ़ी ठंडा चल रहा था 2 हफ्ते से, मतलब धूप वगैरह इतनी आ नहीं रही थी, तो आज तो फिर सोचा कि आज तो कर ही लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो बस इसको हटा के फिर अच्छे से साफ़ किया, और पहले तो अच्छे से झाड़ू लगाई, और पोछा लगाते टाइम भी ना मैंने इसको अच्छे से सारे को हटा के अच्छे से पोछा लगाया था सारे में। तो भारी सामान का बस यही रहता है कि कभी चलो हफ्ते में 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार हटा के अच्छे से साफ़ कर दो, फिर से उसको वैसे ही सेट कर दो, और फिर बारी आती है पता नहीं कब। चलो ये तो सोफ़े हैं थोड़े हल्के भी हैं, इनको मैं खुद ही आगे पीछे करके फिर मैं लगा लेती हूँ, साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। लेकिन जो बेड है ना, तो बेड का तो ये मान लो कि मतलब दिवाली जब आती है ना, जब भी मैं साफ़ करती हूँ उसको नीचे से हटा के अच्छे से, और इतनी गंदगी वैसे होती नहीं है, बस वही धूल मिट्टी जो होती है थोड़ी बहुत, वो वैसे तो जहाँ तक झाड़ू मेरी पहुँचती है वहाँ तक मैं लगा देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पड़े थे जो कपड़े मैंने पिछले कर ली, जो मेरे सूखे नहीं थे वो थोड़े से मैंने फैला के रख दिए थे बेड पे, कुछ एक कपड़े थे यही थे बस, तो इनको भी मैंने फोल्ड कर लिया, अब इनको मैं रखूँगी थोड़ी देर में अलमीरा में। अभी मैं करूँगी हल्की फुल्की जो भी डस्टिंग वगैरह धूल मिट्टी पहुँचने का काम होता है ना वो मैं करूँगी। और अब तक हमने कर लिया था ब्रेकफास्ट, और फिर ना ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन की ही मैं सबसे पहले सफाई कर लूँगी यहाँ पे, और फिर मैं लगाऊंगी लास्ट में पोछा, और उसके बाद मुझे नहाना है। सारा काम करने के बाद नहाना ना मुझे अच्छा लगता है, अगर कई बार पहले मैं नहा लूँ और फिर ये काम सब करूँ तो मेरा बिल्कुल भी काम पे मन नहीं लगता, इसलिए मैं सारा काम करने के बाद ही आराम से फिर नहाती हूँ और फिर अपना खाना खाती हूँ, और ये मेरी ऐसी ही आदत हो चुकी है। तो बस यहाँ मैंने किचन भी साफ़ कर ली है, अब बारी आती है बर्तन धोने की, तो फटाफट मैं धोऊंगी यहाँ पे बर्तन, और क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है ना, तो मेरे को बस अभी नहाना भी और बच्चों को फिर स्कूल से लेने भी जाना। तो ये जो लोहे की कढ़ाई है ना मेरी, इसको धोते के साथ ही एक बार गैस में सुखा के फिर मेरे को रखना पड़ता है, अगर पानी के साथ में इसको ऐसे रख दूँ ना तो एकदम से इसमें जंग सा लग जाता है, काफ़ी ख़राब हो जाती है, और फिर बाद में इसको धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको धोती हूँ और एक बार गैस में सुखा के इसको रख लेती हूँ। तो किचन के काम से मैं फ्री हो ही गई हूँ, बस अब बारी आती है लास्ट का पोछा लगाने की। तो बस मैंने बर्तन धो लिए, और उसी में से गीजर का थोड़ा सा गर्म पानी बच रहा था ना, तो वही गर्म पानी मैंने पोछा लगाने के लिए ले लिया, और काफ़ी साफ़ इसे पोछा लग रहा था, थोड़ा सा मैंने डाल लिया था सर्फ इसमें। पूरे घर में पोछा तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन फ़र्श को सुखाना मुश्किल हो जाता है फिर, तो जिस भी रूम में मैं पोछा लगा देती हूँ फिर वहाँ से निकल के उसी रूम का फ़ैन चला देती हूँ, तो बस फ़ैन से ही सूखता रहता है, थोड़ी देर में सूख तो जाता है लेकिन पूरे घर के फ़ैन मुझे चलाने पड़ते हैं थोड़ी देर के लिए।
तो झाड़ू तो मैंने सोफे को अच्छे से हटा के लगा ही लिया था, और अब बारी आती है पोछे की, तो पोछा भी मैं अच्छे से ये सारा हटा के एक बार लगा लूँगी, और फिर तो पता नहीं कब बारी आएगी, हफ्ते दो हफ्ते के बाद इसको अच्छे से हटा के साफ़ करने की। आज मुझे साफ़ करनी थी बालकनी भी, तो बस पोछा लगाने के बाद, सारे में पोछा लगाने के बाद फिर मैं कर लेती हूँ बालकनी साफ़। तो मैंने 10 बजे काम करना शुरू किया था, और अभी जब मैंने टाइम देखा ना तो 1:30 हो गए थे मेरे को काम करते करते। इस बीच मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया था अपने लिए, हस्बैंड के लिए भी, तो बस अब जल्दी ये हो रही थी कि फटाफट ये काम से फ्री होके मैं नहाऊं, और फिर नहाते के साथ थोड़ी देर 2-4 मिनट तो मैं बैठ ही लूँ, और फिर नहाते के साथ एकदम से ठंड सी भी लगती है, और मेरा तो फिर निकलने का मन नहीं करता, बस फिर दिल करता है कि थोड़ी देर हीटर के आगे बैठ जाओ, या धूप है तो धूप में चले जाओ। तो इसलिए मैं फटाफट कर रही थी कि चलो जल्दी से नहा के थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, थोड़ी सी रेस्ट ले लूँगी, और फिर जाऊँगी आरू को लेने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो को भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।